साथ अपना बजट कल पेश कर चुके हैं। प्रदेश की तमाम जनता जान चुकी है कि उन्हें बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, सीएम गहलोत ने क्या कुछ दिया जो उनकी उम्मीद से ज्यादा था और क्या उम्मीदें उनकी अधूरी रह गईं। ये सब जनता के सामने साफ हो चुका है। इस बारे में हर वर्ग के बीच जी मीडिया की टीम जा रही है और जान रही है कि आखिर कैसा रहा गहलोत सरकार का ये बजट। संवाददाता दीपक गोयल इस बीच जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, कल राजधानी की ही जमीन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश कर दिया है। जनता की जो उम्मीदें थी कितनी पूरी हुई कितनी अधूरी रही, क्योंकि अब कोई सस्पेंस नहीं है, तस्वीर साफ हो गई है। उनका ये कहना है कि जनता के सपने पूरे हो सकें हमने ऐसा बजट दिया है। जनता क्या सोच रही है, क्या कुछ कहना है, जरा प्रतिक्रिया लीजिए। देखिए लक्ष्मी, आपने ठीक कहा है, गहलोत सरकार ने अपना जो इस वर्तमान कार्यकाल का है पहला बजट अपना पेश किया। कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ का इंतजार है और क्या जनता, क्योंकि तस्वीर अब साफ हो चुकी है और जनता को, क्योंकि किसान वर्ग आज जयपुर में, जयपुर की राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किसान वर्ग की है, ये जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में आया है, लेकिन इनसे प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि किसान वर्ग के लिए गहलोत सरकार ने क्या दिया है। कल बजट पेश हुआ, किस तरह की आपको किसान वर्ग को क्या कुछ मिला है, कितनी उम्मीदें थी? जिस प्रकार से उम्मीदें थी उस प्रकार से अभी तक हमारे को उसका बजट नहीं पेश किया गया। सरकारों का लोन कटौती की जा रही है, ये नहीं जो उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी? जितना माफ हो उतना मिलनी चाहिए थी। अब ये कर रहे हैं कि 16 या 15% की कटौती कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, काश्तकार के हक में नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, काश्तकारों की 25% तो कटौती कर ली इन्होंने, तो उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। पहले कटौती कर ली गई थी, तो अब दोबारा और कटौती कर ली जाएगी तो काश्तकारों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा उसके लिए। कृषि कल्याण कोष की घोषणा की 1000 करोड़ की, वो तो कृषि कल्याण कोष की है, लेकिन उसमें क्या मिलने वाला है काश्तकार को? तो कुछ नहीं मिलने वाला। किसानों का तो कर्जा माफ भी नहीं हुआ, और किसान तो कर्जा माफ के लिए वो कर रहे थे, वह 2 लाख रुपए माफ होंगे, लेकिन वो भी माफ नहीं हुए, उम्मीद नहीं हुई है। आप किस तरह देखते हो बाबूजी बजट? हम देखते हैं किसान को कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या उम्मीद थी आपको? हमको उम्मीद बहुत थी गहलोत सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ किसानों को देगी, लेकिन देने के बजाय उन्होंने पूरा ले लिया। क्या ले लिया? सब ले लिया। पर जो किसान एक ग्राम सेवा सहकारी समिति से लोन लेता था फसल के लिए, उसमें भी 25,000-20,000 रुपए मिनिमम मिलता था, उसमें 25% कटौती कर दी। क्या मिलेगा? 10-12 हज़ार रुपए मिलेगा। 10-12 हज़ार रुपए से क्या? 10-12 हज़ार रुपए लेगा क्यों? 10-12 हज़ार रुपए लेने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा इससे। आप बताइए अजी, किसानों के प्रति जो किसानों के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सुबह 4 बजे लोग विद्युत विभाग के कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, विशाल भरक के चला जाते हैं, इससे किसान बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों बड़ी आक्रोश है क्षेत्र में, इस प्रकार से किसान बहुत नाराज है गहलोत सरकार से। गहलोत सरकार से आप क्या कहेंगे सर? यही कह रहे हैं कि हर प्रकार से किसानों को नुकसान हो रहा है। सब्सिडी बंद कर दी गई हर चीज पे, सोलर पे, ड्रिप पे, सब पे सब्सिडी कम कर दी गई। मतलब बजट से खुश नहीं हूँ? नहीं, खुश नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्या उम्मीद थी, क्या होना चाहिए? उम्मीद थी पहले गहलोत सरकार के टाइम में 85% सब्सिडी थी, उसको 40-50% के ऊपर ला के रख दी। मतलब जो किसानों के लिए कृषि कल्याण कोष की घोषणा की वो सबसे कम हो गई, पहले से कम हो गई, बिल्कुल कम। ये किसान वर्ग है जो आज जयपुर में आया हुआ है, जिस तरह की उम्मीद किसानों को थी कि उनको छूट मिलनी चाहिए थी, किसानों के हित में जो फैसले लिए जाने चाहिए थे बजट में, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। ये तमाम किसान है। आपके पास लौटेंगे, लगातार बातचीत करते रहेंगे। देखिए, किसानों का ये कहना है कि हालांकि कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं, क्योंकि 1000 करोड़ का किसान कल्याण कोष भी बनाया है सरकार ने और भी तमाम प्रावधान किए हैं, लेकिन कुछ और भी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, फौरन लौटें।